यदि आप इंडियन मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान करते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको लो स्पीड और हाई स्पीड दोनों के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं पांच ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में जो हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं और आपको अच्छे फीचर्स अच्छी सर्विस के साथ में देखने को मिलते हैं। तो मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑटो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर की मैं बात कर लेता हूं यहां पर, जो आपको देखने को मिलता है ओला की तरफ से। ओला के अंदर आपको दो ऑप्शंस अभी देखने को मिलते हैं हाल फिलहाल, S1 और S1 Pro। दोनों स्कूटर्स के अंदर आपको 5.5 किलोवाट की मोटर देखने को मिल जाती है, 3 किलोवाट आर और 4 किलोवाट आर के आपको बैटरी पैक के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। रेंज की अगर मैं बात करूं तो 128 किलोमीटर से लेकर 181 किलोमीटर तक की आपको रेंज देखने को मिलती है, जो कि कंपनी क्लेम करती है। कीमत की अगर बात की जाए तो 1 लाख रुपये से एक शोरूम इसकी कीमत शुरू होती है और 1,40,000 रुपये तक जाती है। दो वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं हाल फिलहाल। ओला ने इसका तीसरा वेरिएंट भी लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है S1 Air। हालांकि अभी S1 Air जो है वो बुकिंग के अंदर है, उसकी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है। नेक्स्ट ईयर में भी उसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएंगी। ओला आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ओला जो है काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। हाल फिलहाल ओला ने अपने एक्सपीरियंस सेंटर्स भी खोलना शुरू कर दिया है और ऑनलाइन सर्विसेज आपको ओला प्रोवाइड कराता ही है। तो ये था हमारी लिस्ट का पहला स्कूटर। अब बात कर लेते हैं दूसरे की, जो कि है एथर 450X। एथर के अंदर भी आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 450X और 450+। एथर के अंदर आपको 3.3 किलोवाट आर की मोटर देखने को मिलती है, 3.7 किलोवाट आर बैटरी पैक के साथ में। इसके अंदर भी आपको कनेक्टिविटी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। रेंज की अगर मैं बात करूं तो 108 से लेकर 146 किलोमीटर तक की आपको रेंज देखने को मिल जाएगी, जो कि कंपनी क्लेम करती है। कीमत की अगर बात की जाए तो 1,36,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत के साथ में एथर आपको देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं तीसरे स्कूटर की, जो हमें देखने को मिलता है TVS की तरफ से, TVS iQube। TVS का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है और TVS का अगर आप सर्विस नेटवर्क देखते हो तो इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ऑलरेडी ये IC इंजन्स के साथ में डील करते हैं और अब इलेक्ट्रिक के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है TVS का iQube। इसके अंदर आपको 3 किलोवाट की मोटर देखने को मिलती है, 3.04 किलोवाट आर के लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ में। इस स्कूटर के अंदर भी आपको कनेक्टिविटी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। रेंज की अगर मैं बात करूं तो हाल फिलहाल 100 किलोमीटर की रेंज आपको देखने को मिल रही है TVS iQube के अंदर। इसका भी एक वेरिएंट जल्दी ही हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि iQube ST के नाम से होगा, जिसके अंदर रेंज और ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। कीमत की अगर मैं बात करूं तो 1,61,000 रुपये की एक्सशोरूम कीमत के साथ में आपको TVS iQube जो है वो देखने को मिल जाता है। चौथे नंबर पर मैंने रखा है ओकिनावा OK90 को। ओकिनावा जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी लंबे समय से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल कर रहा है और काफ़ी बड़ा ब्रांड है। काफ़ी अच्छा सर्विस नेटवर्क आपको देखने को मिल जाता है ओकिनावा का। इसके अंदर आपको 3.8 किलोवाट की मोटर देखने को मिलती है, 3.6 किलोवाट आर बैटरी पैक के साथ में। और इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी रेंज जो है वो देखने को मिल जाती है, 160 किलोमीटर की रेंज जो है वो कंपनी क्लेम कर रही है इस स्कूटर के साथ में। इस स्कूटर के अंदर भी आपको कनेक्टिविटी के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। कीमत की अगर मैं बात करूँ तो 1,70,000 रुपये की एक्सशोरूम कीमत के साथ में आपको ये स्कूटर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं लिस्ट के आखिरी स्कूटर की, जो कि हमें देखने को मिलता है बजाज की तरफ से। बजाज चेतक को वापस लेके आया है इलेक्ट्रिक की फॉर्म में और हमें देखने को मिलता है बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर। इस स्कूटर की हालांकि रेंज वगैरह जो है, जो लिस्ट की चार स्कूटर्स मैंने आपको बताया उन सबके कंपैरिजन में सबसे कम है और कीमत थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है, लेकिन ये स्कूटर आपको फुल मेटल बॉडी के साथ में देखने को मिलता है और अच्छे फीचर्स आपको प्रोवाइड कराता है, तो इसलिए आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इस स्कूटर के अंदर आपको 3.8 किलोवाट की मोटर देखने को मिलती है, रेंज आपको देखने को मिलती है 95 किलोमीटर पर चार्ज, और कीमत जो है वो 1,51,000 रुपये इसकी रखी गई है, जो कि एक शोरूम कीमत है। कनेक्टिविटी फीचर्स आपको चेतक के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। तो चेतक जो है वो लिस्ट में जो दूसरे स्कूटर्स हैं उनके कंपैरिजन में रेंज आपको थोड़ी सी कम प्रोवाइड कराता है, लेकिन बजाज का आपको भरोसा देखने को मिलेगा चेतक के साथ में और अच्छी बॉडी आपको देखने को मिल जाती है चेतक की। लुक्स वाइज जो है वो स्कूटर थोड़ा सा आपको रेट्रो स्टाइल देता है। तो ये थे पांच इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जिनको आप कंसीडर कर सकते हो, जहां पर आपको अच्छे फीचर्स अच्छी सर्विस देखने को मिलती है, साथ ही अच्छी रेंज और अच्छी स्पीड आपको ये प्रोवाइड कराते हैं। तो कैसे लगे आपको ये पांच इलेक्ट्रिक स्कूटर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।